राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। राज्यपाल ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान राज्यपाल ने बद्रीनाथ आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम और भी दिव्य और भव्य नजर आएगा। इससे पहले राज्यपाल ने केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। जिलाधिकारी ने उन्हें विभिन्न चरणों में केदार घाटी में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करते हुए आने वाले समय में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने धाम को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने की अपील की। प्रभु से यही अर्चना पूजा अरदास है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाए। और मैं कहूँगा कि कितना सौभाग्यशाली है उत्तराखंड भारत की यहाँ चार धाम की यात्रा हो। आज सुबह मुझे केदारनाथ जी के बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। सचमुच एक अद्भुत दर्शन थे और यहाँ आने से आत्मा के स्तर पर दिव्यता, भव्यता, शुद्धता और पवित्रता के स्तर पर एक अलग आनंद आ रहा है।